क्वेश्चन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिपीट होने की बात करें तो नीट 2013 से लेकर नीट 2020 तक ये क्वेश्चन 9 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसमें है क्या, देखो सिंपल उसी इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है देखो, ये एनर्जी किसी फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस पे पड़ी और इस एनर्जी का यूज दो कामों के लिए होगा। पहला काम क्या होगा, देखो सरफेस पे एनर्जी पड़ी तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लगी वो है ई नोट, प्लस जो इसमें से अब एनर्जी बच गई उसका यूज किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी में, उसका यूज होगा काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर बात है। अब देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एनर्जी को हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, एच म्यू, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या जाएगा एच म्यू नोट, म्यू नोट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इधर ये पूरा सेम आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर लैम्डा, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है वेवलेंथ, और इधर क्या लिखेंगे, देखो एच सी तो कॉमन रहेगा और ये लैम्डा नोट मतलब ये क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और प्लस ये काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल से। तो इन्हीं तीन इक्वेशन को अगर आप समझ लेते हो तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होने वाली। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में, इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डबल है तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है v1, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स कर देते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v2। अब क्वेश्चन क्या होता है कि v1 अपॉन v2 का रेशियो बताओ, ठीक है। देखो सबसे बेसिक इक्वेशन अपनी क्या होती है कि h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है अपनी बेसिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन को एक बार इसके लिए लगाते हैं, एक बार इसके लिए पहले इस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो एच म्यू इसका कितना है 2 μ0, ये 2 को आगे ले आते हैं और ये म्यू नोट, ये बात है इज इक्वल टू h μ0 बिल्कुल ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ m, ये कितनी है वेलोसिटी इसकी v1 स्क्वायर। अब यही इक्वेशन इसके लिए लिख लेते हैं, देखो h म्यू इसका म्यू कितना है 5 μ0, तो 5 को यहां लिख लेते हैं, ये म्यू नोट इज इक्वल टू h μ0 कॉमन रहेगा प्लस हाफ एम वी इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 स्क्वायर। क्लियर बात है। अब देखो अगर हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू लिखूं तो ये इधर चला जाएगा माइनस होकर कितना रह जाएगा h μ0 है, क्लियर बात है। और हाफ एम वी टू स्क्वायर लिखूं ये इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 4 h μ0। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए v1 अपॉन v2 निकालने में।